खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। राजगढ़ में NSUI ने बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए मोदी सरकार के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन किया एवं जमकर नारेबाजी की। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने हर वर्ष युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, पर उसमें मोदी सरकार असफल रही। NSUI के जिलाध्यक्ष राहुल दांगी के नेतृत्व में आज राजगढ़ के युवाओं ने बेरोजगारी के चलते नेशनल हाईवे पर 52 बिरसा मुंडा चौराहे में आम लोगों का जूता पॉलिश व बीच सड़क पर खड़े होकर चाय का ठेला लगाकर राहगीरों को चाय पिलाई। वहीं कुछ युवाओं ने सड़क पर ही लोगों के जूते पॉलिश कर मोदी विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं NSUI के जिलाध्यक्ष राहुल दांगी ने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वादा किया था कि हर युवाओं को नौकरी देंगे, परंतु पीएम मोदी ने वादा खिलाफ करते हुए 4 लाख युवाओं को भी नौकरी नहीं दी है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार इस बेरोजगारी को थामने में नाकाम रही है, इसलिए आज हमने राजगढ़ स्थित बिरसा मुंडा चौराहे पर चाय बनाकर और जूते पॉलिश करके केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। क्या नाम है? राहुल जांगी। क्या राहुल कौन से पढ़े हो? सर मैंने BSc कंप्लीट कर लिया है और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि देश के प्रत्येक युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, कम से कम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष मैं युवाओं को दूंगा, लेकिन आज मोदी सरकार प्रतिवर्ष 4 लाख नौकरियां देने में भी असमर्थ है। साथ ही प्रत्येक युवा जिसने माननीय मोदी जी को चुना था, आज वह युवा इस तरह सड़कों पर बैठा है, बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगारी का आलम इस प्रकार हो गया है कि लोग और प्रत्येक युवा आज इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, इसलिए आज हम लोगों ने एक सांकेतिक प्रदर्शन करके यहाँ जूता पॉलिश और चाय बनाने की दुकान लगाकर ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने जो 2014 में वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। आज अब 2019 में जो आप चुनाव लड़ने वाले हैं, हम इस 2019 के चुनाव में प्रत्येक युवा आपको इसका सबक सिखाएगा और युवा आपको बाइकॉट करेगा, आपको वोट नहीं देगा, प्रत्येक युवा एक युवा की सरकार बनाएगा। हम यहाँ आज ये सांकेतिक प्रदर्शन करके प्रत्येक युवा तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से कैमरामैन लखन गुर्जर के साथ संवाददाता मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।